हेलो गाइस, फाइनली आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सब ये देखने के लिए उतावले हैं कि पिछली बार VFX और रावण के लुक में जो गलतियां थी उन्हें सुधारा गया या नहीं गया। और इस रिव्यू में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है गाइस, ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी एक कहानी है। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रमाण है ये कहानी है। श्री राम की, सीता माता के सम्मान की, हनुमान जी की भक्ति की और सत्य की शक्ति की। शायद इसलिए इस मूवी की इतनी हाइप है। और जैसा कि ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि VFX पर काफी काम किया गया है, पर कमी तो अभी भी है। वैसे इस कमी को नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि ये ट्रेलर टीजर से तो बेहतर ही है। हम सब जानते हैं कि जब अक्टूबर में इस मूवी का टीजर आया था तो इसे काफी ट्रोल किया गया था, काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था रावण के लुक को लेकर कि रावण का लुक किसी मुगल बादशाह की तरह लग रहा है। और ये भी बात सही है कि इस मूवी की जो कहानी है वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सब जानते हैं कि रावण में अभिमान था, वो अधर्म के साथ था, पर सब ये भी जानते हैं कि वो एक महान शिव भक्त भी था। और दूसरी तरफ मूवी के VFX को लेकर भी काफी विवाद बना हुआ था। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया था। बाकी मूवी के डायरेक्टर ने काफी कमाल का कमबैक किया है और शायद उन्हें भी पता चल गया था कि इस मूवी को विवादों से हनुमान जी ही निकाल सकते हैं। इसलिए ट्रेलर की स्टार्टिंग ही महावीर हनुमान जी से होती है, जो खुद अपनी आवाज में अपने प्रभु श्री राम के बारे में बता रहे होते हैं। और ट्रेलर में जय श्री राम बैकग्राउंड सॉन्ग सुन के दिल खुश हो जाता है यार। और ट्रेलर के काफी सीन्स जैसे श्री राम जी का अपने धनुष पर बाण साधना, महावीर हनुमान जी का संजीवनी पर्वत लेकर जाना, समुद्र को चीरते हुए निकल जाना, उसके VFX तो कमाल के हैं। और साथ ही साथ मूवी के डायलॉग्स की क्या ही बात कहूँ। और इस बार मूवी के डायरेक्टर काफी सेफ प्ले कर रहे हैं। रावण का अपीयरेंस ज्यादा नहीं दिखाया, बस एक बार वो साधु के भेष में सीता माता से भिक्षा मांगते हुए दिखाए गए हैं और दूसरे सीन में शिवलिंग के सामने बैक साइड से दिखाए गए हैं। ओवरऑल ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर को देख के साफ पता लग रहा है कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कलेक्शन करने वाली है। बजट की बात करूं तो मूवी का बजट अराउंड 700 करोड़ के आसपास है। बस एक बात खटक रही है, वो है इस मूवी के एक्टर प्रभास जी। नो डाउट कि प्रभास जी एक ब्रिलियंट एंड वर्सेटाइल एक्टर है, मेरे भी फेवरेट है, पर जैसा कि हमारी कहानियों और पुराणों में दिखाया गया है कि हमारे प्रभु श्री राम काफी सौम्य और शांत स्वभाव के थे, पर इसमें प्रभास जी का लुक एक एक्शन हीरो वाली फील दे रहा है। पर खैर कोई बात नहीं, हमारे प्रभु श्री राम एक वॉरियर भी तो थे। सो ऑलराइट गाइस, ओवरऑल इस ट्रेलर में मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही है और इस मूवी में मैं कोई कमियां निकालना भी नहीं चाहता, क्योंकि आज के युग में उस त्रेता युग की कहानी को बड़े पर्दे पर देखना मेरे लिए तो प्लेजर है। सो गाइस, जय श्री राम, जय हनुमान। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।